झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को बोकारो के चंदन कियारी आएंगे, जहां सीएम हेमंत सोरेन 1,240 करोड़ 57 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें बोकारो के सेक्टर 12 स्थित मेडिकल कॉलेज सहित तेनुघाट में सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास भी किया जाना है। इसके साथ ही साथ हजारीबाग नगर निगम भवन और रामगढ़ में ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया जाना है। मुख्यमंत्री कल 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से चंदन कियारी पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी चंदन कियारी के चंडीपुर स्थित फुटबॉल मैदान में जोरों शोरों से की जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर टेंट का निर्माण भी किया जा रहा है। बोकारो में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही थी, जिसके बनने से यहां के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उस रोज विशेष रूप से विश्लेषण भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे और कुछ योजनाएं, नई योजना का शिलान्यास भी होगा। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ में विकास विरोधी तत्व झारखंड सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं और दूसरे तरफ में महागठबंधन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी लगातार एक एक योजना आम जनता के लिए घोषित कर रहे हैं और वो धरातल पर उतर रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैया सम्मान योजना, आप लोगों ने देखा होगा कल 2 लाख रुपया कृषि लोन माफ, बच्ची के लिए सावित्री बाई फुले, ग्रामवासियों के लिए 200 यूनिट बिजली बिल माफ, प्लस ग्रामवासियों का जो बकाया था उसको भी झारखंड सरकार ने माफ़ कर दिया। तो मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना का मार से एक तरफ जहां छोटे मोटे लघु उद्योग बंद हो गया है, लोग बेरोजगार हो गया है, मार्केट में पैसा नहीं है और मोदी सरकार के राज में बाजार का जो मूल्य बढ़ा हुआ है, इससे जनता काफ़ी त्रस्त था और इस परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना के तहत घर घर में महिलाओं को जो प्रोत्साहन राशि या सहयोग देने का काम किया, ये निश्चित रूप से पूरे भारत में सराहनीय का काम। उस रोज विशेष रूप से